नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के चाहते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का इंटरव्यू लिया था, जो हमारे चैनल पे है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। अखिलेश कश्यप जी का इंटरव्यू लिया था और ऐसे ही तमाम शख्सियतों के साथ लगातार आए दिन हम जो है आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इस कड़ी में आज हमारे साथ एक स्पेशल व्यक्ति हैं और उनसे मैं रूबरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है धनंजय भाई, स्वागत है। सबसे पहले स्वागत है। ये हैं आप लोग? हाँ, बढ़िया होंगे, आई होप सो कि बढ़िया होंगे। और इनको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं तो इनका नाम धनंजय है, धनंजय कुमार। और ये जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट ही कैमूर भभुआ के ही रहने वाले हैं और इनका जो चैनल है वो भोजपुरी गंगा है। कितने सब्सक्राइबर हैं उस पर? भोजपुरी गंगा का 261,000 सब्सक्राइबर है और 261,000 मतलब 261,000 सब्सक्राइबर, यानी कि 261,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और एक और चैनल है ना? हाँ, रॉकेट भोजपुरी है, उसका 50,000 सब्सक्राइबर हैं। तो ये उस यूट्यूब के संचालक हैं धनंजय भाई। और ये बड़ी बात ही है कि सबका खबर जो है करते हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हों, पवन सिंह हो, निरहुआ हो, या फिर मनोज तिवारी या चिंटू पांडे, सबका खबर करते हैं। कैसा लगता है काम करके धनंजय भाई? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सभी लोगों का न्यूज़ बनाते हैं, पहले से ही बनाता आ रहा हूँ। हाँ, तो ये जो है वॉइस ओवर पे बनाते हैं तो आप उनको नहीं पहचानते होंगे, बट चैनल को तो पहचानते ही होंगे मुझे लगता है। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए और अपने दर्शकों के लिए? बस दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि आज पिंटू भाई के घर पे आए हैं, कुछ कार्यक्रम है तो लाए हैं पिंटू भाई को। आए हाँ, तो घर पे पूजा था, तो घर पे पूजा था तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हम लोग बागवान में बना रहे हैं वीडियो। तो बागवान में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि घर पे आपको पता ही है कि भाई फ्रोजन है, तो वहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो हम लोग एक साइड में आ गए यहाँ पे बगीचा में, तो यहीं पे बना रहे हैं। बाकी जो है आप लोग प्यार दीजिए भोजपुरी गंगा को और भोजपुरी रिमझिम भोजपुरी और एक और चैनल रॉकेट भोजपुरी। हाँ, आप सभी प्यार दीजिए और ऐसे ही। बड़ी बात यह है ना कि हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, ये गांव में रहते हैं, गांव में इतना ज़्यादा बल्क में वीडियोस बनाते हैं डेली, मतलब 10 वीडियोस बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मोबाइल डेटा से काम करना, मोबाइल में एडिट करना, और ये आपके लिए मोटिवेशन भी है कि आप लोग मोबाइल से भी काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, पैसा भी अच्छा खासा कमाते होंगे धनंजय भाई। हाँ बिल्कुल 60-70,000 रुपया हो जाता होगा? नहीं नहीं, फिर भी पूरा दोनों मिला के? नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं होता है, 30+ तो हो जाता होगा ना? हाँ, 30-40,000 महीने कमा लेता हूँ। 30-40,000 रुपये घर पे रह के, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो एक मोटिवेशन भी है धनंजय भाई अपने आप में। हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ है, हम लोग के पास डेस्कटॉप है, इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कमा पाते उतना लेकिन धनंजय भाई कमाते हैं, 30-40,000 कमाते हैं बहुत। हाँ, और सब बिजनेस है? हाँ, सिर्फ यूट्यूब से? हाँ, नहीं, तो यूट्यूब तो ये पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम इसके अलावा जो है, तो ये बड़ी बात है, आप लोगों को सीखना भी चाहिए। तो मुझे लगा कि इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ये जो है वॉइस ओवर के साथ आते हैं। तो बाकी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए भोजपुरी गंगा और रिमझिम भोजपुरी, रिमझिम भोजपुरी, सबको कीजिए। मतलब हम लोग तो अपना नाम बता रहे हैं, बाकी जितने भी आप, मतलब मेरा मानना है ना कि आप जिसको पसंद करते हैं सबको कीजिए, है ना? हाँ, एकदम। लेकिन हम तो अपना कहेंगे ना। हाँ, हम लोग बस मुलाकात करने आए, भेंट करने आए हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, बाकी जैसी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।